बहुत लेट हो गया तू। अरे यार वो तेरे को पता है ना मुंबई का ट्रैफिक है। ठीक है आजा। यार भाई घर तो बहुत बड़ा है तेरा यार। हाँ आजा बैठ। यार तुझे पता था प्रोजेक्ट करना है फिर भी लेट आया तू। अरे यार अब वो छोड़ना है तू यार, अब लेट हो गए तो क्या करें यार, ट्रैफिक है। ले दिखा क्या कर रहा था तू। मेरी मॉम। हाय, मुझे एक किटी पार्टी के लिए जाना है, मैं निकलती हूँ। बाय मॉम। या बाय। भाई भाई तूने तो यार कॉलेज में कोई और फोटो दिखाई थी तेरी मम्मी की, बट ये कौन है? अरे एक्चुअली ना मेरे पापा बाहर रहते हैं और उनका बहुत लॉस हुआ है तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ये मेरी स्टेप मॉम है बट ये मुझसे बहुत प्यार करती है। चल बढ़िया है यार। ठीक है चल घर घुमाते तेरे को मैं। हाँ हाँ वही चल। वो जो तुम्हारा दोस्त आया था उसका नाम क्या है? आकाश। क्यों क्या हुआ? नहीं बस जब से मैं आई हूँ बस वो ही एक दोस्त है जिसे तुमने घर पे लाया है। हाँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना इसीलिए। अच्छा अब कब तक सोओगे? बस थोड़ा प्रोजेक्ट का काम है वो करके मैं सो जाऊँगा। okay. अब सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। नमस्कार मैं संजय जांगिड़ आप सभी का इस एपिसोड में स्वागत करता हूँ। रुद्र और आकाश बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में स्टडी करते हैं। रुद्र की मॉम की डेथ के बाद रुद्र के पापा ने दूसरी शादी श्वेता से कर ली। इक्विवेलेंट शेयर्स आर दो शेयर व्हिच इज इक्वल। आकाश आज तुम हमारे साथ खाना खाओगे? अरे नहीं नहीं मैं बस निकल ही रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम पक्का। हाँ अरे क्या नेक्स्ट टाइम यार, आज तो डिनर हमारे साथ ही करेगा। मॉम आप डिनर प्रिपेयर कीजिए। जी अरे मैं खाना बना। यार भाई तेरे को मेरी प्रॉब्लम तो पता है ना यार। यार सोचने से थोड़ी सॉल्व होगी प्रॉब्लम। ये आजा पढ़ ले। आकाश या ऑल ओके? ऑल गुड। तुम खाना नहीं खा रहे हो? बस वो तो यूं ही थोड़ा। अच्छा एक रोटी? नहीं 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 काफी है अभी। थैंक यू फॉर डिनर। यू ऑलवेज वेलकम। अच्छा आकाश तुम आज यही क्यों नहीं रुक जाते? इट्स ऑलरेडी लेट। नहीं नहीं काफी टाइम है मैं आराम से चला जाऊं। रुद्रा इसको छोड़ के आ। हां बाय बाय। अच्छा मुझे एक बात बताओ आकाश, मुझे अपसेट लग रहा था। उसकी पढ़ाई लिखाई तो सब ठीक चल रही है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना उसे? एक्चुअली ना उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, बट आप पर्सनली पूछ रहे तो आई थिंक आई शुड शेयर विथ यू। उसको ना आज कॉलेज के HOD ने लेक्चर अटेंड नहीं करने दिया
और शायद उसे एग्ज़ाम भी नहीं देने देंगे, उसी वजह से शायद अपसेट है वो। ठीक है, एक काम करो, उसके बैंक के डिटेल्स मुझे दे दो। ठीक है ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। श्वेता रुद्र को पहली मॉम से भी ज़्यादा प्यार करती है। आकाश अपनी मॉम, डैड और छोटी बहन के साथ रहता है। आकाश जब श्वेता से मिलता है तो श्वेता के अंदर लविंग मॉम के उसे सारे गुण नज़र आते हैं। क्या श्वेता ऐसी है? हेलो हेलो, हाँ रुद्र यार, तेरी मम्मी को थैंक्स बोलना यार, उन्होंने मेरे कॉलेज की फीस भरी। नहीं भाई, बट फिर भी यार थैंक्स बोलना मेरी तरफ से। बढ़िया शॉपिंग हो गई ना? लगी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वाओ, इतनी सारी शॉपिंग। तुम्हें वक्त नहीं था तो सोचा आकाश के साथ शॉपिंग कर लूं। अच्छा किया। अच्छा मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके ओके, चल ना अपन बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। हाँ चल ना भाई, ये यहाँ रख देता हूँ। हाँ कोई। तुम अकेले? रुद्र कहाँ है? वो बोला कुछ काम से जाके आता हूँ, बट अभी तक आया ही नहीं। अच्छा चलो, तब तक मैं तुम्हें कंपनी देती हूँ। या क्या हुआ? तुम भी रुद्र की तरह सिंगल हो या तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है? एक्चुअली मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं। तुम जैसे लड़कों के लिए ये शब्द शोभा नहीं देता। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अब मतलब मैं ही समझाऊं? अरे मैं मजाक कर रही हूँ। ये वाला देख रही है।
हेलो आकाश। हेलो। नहीं नहीं, वो दो दिन से तुम आए नहीं तो सोचा एक बार फोन करके पूछ लूं। वो क्या हुआ ना कि घर पे सब लोग मासी के गए हुए हैं तो दो दिन से कोई था नहीं, फिर इस चक्कर में आ नहीं पाया। अच्छा तो अभी आ पाओगे? अभी चलो ठीक है, आता हूँ। ठीक, आ जा, बाय। श्वेता ने आकाश की हेल्प की थी, उसके एहसान को चुकाने के लिए आकाश कुछ भी कर सकता था, क्योंकि श्वेता ने आकाश का एक साल बर्बाद होने से जो बचाया था, आकाश की कॉलेज की फीस के भरने के पीछे और आकाश को लेकर। क्या श्वेता की नीयत अच्छी थी? क्या होने वाला था आकाश के पीछे, जिसका अंजाम ना तो आकाश को पता था और ना ही रुद्र को? वो एक्चुअली मैं आओ अंदर। तुम्हारी हुडी बहुत अच्छी है। थैंक यू। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं। अगर आप मेरे कॉलेज की फीस। कुछ समझने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि रुद्र यूके जा रहा है। हाँ, उसके पापा ने कहा है ना जाने के लिए। हो, ही इज सो लकी। क्यों, तुम भी तो लकी हो, तुम्हारे साथ मैच हूँ। मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए, काफी लेट हो गया। क्यों, मेरी कंपनी पसंद नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर वो फोन खराब हो गया तो मैं सीधा तेरे घर ही आ गया। मेरे लिए लायक है भाई। खोल के देखना। अबे ये तो मेरी फेवरेट वाली है यार। ओ यार थैंक यू सो मच यार, मुझे मुझे कितने टाइम से चाहिए थी ये यार। ओ यार थैंक यू भाई यार।
दिल खुश कर दिया तूने यार। थैंक यू सो मच यार, बहुत हाँ भाई मतलब अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। कैसे लग रही हूँ मैं? क्या हुआ? तुमने यहाँ ऐसे अचानक से बुलाया? Is everything okay? देखो, अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। मतलब? मतलब ये कि ये हमारा रिश्ता गलत है। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को इतना धोखा नहीं दे सकता। रुद्रा ने घड़ी क्या दी? तुम तो इमोशनल हो गए। अरे मैंने इतना सब कुछ किया वो? अब तुम भी अपने पति को और अपने बच्चे को धोखा मत दो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं चलता हूँ। कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। श्वेता अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए आकाश को कठपुतली की तरह यूज कर रही थी और आकाश उसे दूरिया बनाते जा रहा था। क्या आकाश दूरिया बना पाएगा या फिर रुद्र को श्वेता की सच्चाई पता चल पाएगी? चलिए देखते हैं। अरे आकाश, अरे कैसा है भाई? मैं बहुत बढ़िया हूँ, तू बता। आजकल तो दिखता नहीं है, ना ही कॉलेज आता है ना ही घर पे आता है। अरे बस वही पढ़ाई वढ़ाई यार थोड़ा। अरे चल चल मेरे घर पे जाते हैं, चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे। नहीं, नहीं प्रोजेक्ट भी करेंगे भाई, चल ना। बाद में आता हूँ ना भाई। अरे चल ना यार, प्लीज चल चल चल। अरे चल चल, अरे प्लीज बाद में आता हूँ ना। चल 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 भाई, मजा आएगा, मजा आएगा, अच्छे से मजा, चिल करेंगे आज। बस बढ़िया, बड़े दिनों बाद आया घर पे। हाँ यार बहुत। अरे आजा यार। हाँ आ रहा हूँ। आजा यार बैठ। बैठ जा। सुना पहले एक मूवी देखते हैं, प्रोजेक्ट बाद में करते हैं, ठीक है? वैसे मॉम दिखाई नहीं दे रही। वो अपने फ्रेंड के घर गई है।
मॉम भी आ गए। बेटा रुद्र। हाँ मॉम। मेरा एक छोटा सा काम करोगे? हाँ बताइए ना। वो एक्चुअली मैं पर्स ना अंजलि के घर भूल आई हूँ, तो लेके आओगे? हाँ मॉम श्योर लेके आता हूँ। आकाश तू मूवी देख कंटिन्यू कर, मैं आता हूँ लेके। ठीक है मुझे पता है हमने रुद्र को क्यों भेजा। अच्छा मेरी इंटेंशंस आजकल काफी जल्दी समझ लेते हो। क्या हुआ? डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं फिर? ना तो मेरे फोन कॉल्स उठा रहे हो, ना मेरे मैसेज के रिप्लाइज दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो तुम मेरे फोन कॉल्स को रिप्लाई नहीं दे रहे हो, मेरे मैसेज को रिप्लाई नहीं दे रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि नई गर्लफ्रेंड बनाई है तुमने? वो तुम्हारी वो व्हाट्सएप वाली दोस्त, क्या नाम है उसका? रिया। रिया? रिया सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है कॉलेज की। और मैं कौन? I don't know. You don't know? Wow, बहुत अच्छी लाइन है तुम्हारी। मतलब फायदा उठाया, मजे कर लिए और सही वक्त आने के बाद पल्ला छोड़ दिया। क्यों? जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। मैंने नहीं कहा था कि आपसे आप मेरी हेल्प कीजिए। मेरे साथ बेड शेयर कीजिए। ये जो कुछ भी हुआ ये आपकी मर्जी से हुआ है। मेरी मर्जी से हुआ है ना? ठीक है ना, मेरी मर्जी से हुआ है ना? ये रिलेशन कंटिन्यू करते ना, इसे क्यों तोड़ना है तुम्हें? जिसे आप रिलेशन कह रही हो वो एक रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ एक पागलपन है। पागलपन। रुद्र और उसके पापा आप पे कितना भरोसा करते हैं और आप? तुम क्या जानते हो उनके पापा के बारे में? हाँ अरे उसके पापा एब्रॉड चले जाते हैं, उनके काफी रिलेशनशिप्स हैं, मैं जानती हूँ उनके बारे में। अब आपको यही सब बातें करनी है तो आई थिंक आई शुड लीव नाउ। कितने दिनों के बाद आए हो, ऐसे नहीं जाने दूंगी तुम्हें। और हाँ मुझे इग्नोर करके ना बहुत बड़ी गलती कर रही है। वरना क्या क्या करोगे आप? मैं आपको बहुत शरीफ औरत समझता था पर मैंने मेरी जिंदगी के अंदर आपके जितनी घटिया औरत नहीं देखी, जिसके दिमाग में सिर्फ लस्ट भरा हुआ है। वापस! क्या हुआ मॉम? अपने से मारा क्यों? क्या कह दिया इसने? भाई मैंने कुछ नहीं बोला, उल्टा ये मतलब जैसे हम समझते हैं ना वैसे ये है नहीं। बस थोड़ी सी हंसकर बातें क्या कर ली तो ये मुझे टच करने लगा। भाई झूठ बोल रही है, ये खुद कैरेक्टरलेस औरत है। कैरेक्टरलेस? अपनी गलती छुपाने के लिए मेरी माँ को कैरेक्टरलेस बोलेगा? भाई निकल जाए यहाँ से। क्या हुआ रुद्र? यार मेरी बात सुन भाई। क्या कर रहा है रुद्र? भाई मेरी बात से सुन यार रुद्र, क्या हुआ? निकल जा, अपनी दोस्त पे भरोसा नहीं है क्या? जा मेरे घर से बात। भाई मेरी बात तो सुन रुद्र, यार मेरी बात तो सुन रुद्र। निकल जा से। झूठी दोस्ती दिखाता है ना तू? भाई ऐसी बात, ये जो डिसेंट सा फेस लेके कॉलेज में घूमता है ना तू, सबको सबको तेरी सच्चाई बताऊंगा। चला यहां से निकल।
आकाश आज तुम हमारे साथ खाना खाओगे? अरे नहीं नहीं मैं बस निकल ही रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम पक्का। हाँ अरे क्या नेक्स्ट टाइम यार, आज तो डिनर हमारे साथ ही करेगा। मॉम आप डिनर प्रिपेयर कीजिए। अरे नहीं जी। अरे प्लीज मैं करती हूँ। वाह यार, अबे ये तो वो ही है ना जो मेरे को पसंद आई थी। अबे यार थैंक यू भाई यार। झूठी दोस्ती दिखाता है ना तू भाई। ऐसी बात ये जो डिसेंट सा फेस लेके कॉलेज में घूमता है ना तू, सबको सबको तेरी सच्चाई बताऊंगा। श्वेता ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि आकाश उसे इग्नोर करे, इसलिए उसने आकाश के दोस्त के सामने उसे झूठा साबित कर दिया। और रही बात रुद्र की, उसने भी आकाश को शर्मसार कर दिया। ये सब बातें सुनकर आकाश अपनी ही नजरों में गिर गया और उसने सुसाइड कर लिया। अगर आज आकाश श्वेता की सारी सच्चाई बता देता तो आज वो जिंदा होता।